नमस्कार दोस्तों, आर जी के कोचिंग के इस यूट्यूब चैनल में आपका एक बार फिर स्वागत है। दोस्तों, हिंदी व्याकरण का एक महत्वपूर्ण टॉपिक कारक, जिसके अंदर सबसे अधिक प्रश्नों के अंदर विवाद होता है, मैंने पूर्व में एक वीडियो अपलोड किया था, तो उसमें जैसे नदी पहाड़ से निकलती है, इस वाक्य में कौन सा कारक है, इस पर यानी इसमें इतने कमेंट आए। कोई कह रहा है कि इसमें करण कारक है, कोई कह रहा है नहीं सर इसमें अपदान कारक है। अब सही क्या है, क्योंकि कई पुस्तकों में इसको करण कारक बताया गया है, तो कई पुस्तकों में इसको अपदान कारक बताया गया है। कई पुस्तकों में जो ऑथेंटिक पुस्तकें हैं उनमें भी इसमें विवाद है। अब अपने विवेक से मैं जो समझता हूं, जो सही है वो मैं आपको समझाऊंगा, और निश्चित रूप से आपको समझ में आएगा कि ये करण कारक है, क्योंकि कई युवाओं ने कहा कि सर ये करण कारक नहीं होकर के अपादान कारक है। तब ये करण कारक क्यों है ये मैं समझाऊंगा आपको। इसके अलावा अपादान कारक और संप्रदान कारक और करण कारक और अपादान कारक में क्या अंतर है वो मैं आपको इस वीडियो में समझाऊंगा। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें, बहुत ही उपयोगी वीडियो है, और विशेष तौर पर प्रतियोगी परीक्षाओं में, क्योंकि कारक के प्रश्नों में बहुत अधिक कंफ्यूजन होता है। तो प्लीज वीडियो को पूरा देखें। तो सबसे पहले हम लेते हैं करण कारक। अब करण कारक का कारक चिन्ह है से अथवा के द्वारा। देखिए, करण इसको आपको ऐसे याद करना है, उपकरण, करण उपकरण, उपकरण यानी साधन, यानी करण का शाब्दिक अर्थ है साधन, यानी वाक्य में कर्ता जिस साधन या माध्यम से क्रिया करता है, जिस साधन से या माध्यम से क्रिया करता है उसे ही करण कारक कहते हैं। अब जैसे नीचे ये वाक्य लिखे हुए है, मैं पेन से लिखता हूं, मैंने गिलास से पानी पिया, निम्न वाक्यों में करण कारक कौन सा है? तो देखिए, कार्य करने के लिए जिस उपकरण का प्रयोग किया गया, जिस साधन का प्रयोग किया गया, जिस माध्यम का प्रयोग किया गया वह करण कारक है। तो इसमें कर्ता, मैं कर्ता है, उसकी क्रिया है लिखना, वो लिख रहा है। अब मैं कर्ता ने लिखने के लिए किस साधन का प्रयोग किया, पेन का, किस उपकरण का प्रयोग किया, याद रह जाएगा आपको इस करण से उपकरण, करण उपकरण यानी उपकरण यानी साधन, तो उस कार्य को करने का साधन। तो मैं कर्ता ने जो लिखने का कार्य किया उसके लिए उसने कौन से साधन का प्रयोग किया, पेन का, तो पेन हो गया करण कारक। मैंने गिलास से पानी पिया, तो मैंने कर्ता, पिया क्रिया, पीना क्रिया का साधन क्या है, उपकरण क्या है, गिलास, तो गिलास हो गया करण कारक। अब के द्वारा विभक्ति, छात्रों को पत्र के द्वारा परीक्षा की सूचना मिली, यानी छात्रों सूचना मिली, क्रिया। अब सूचना मिलने का माध्यम क्या है, पत्र, सूचना मिलने का माध्यम पत्र है, तो पत्र जो है वो करण कारक है। अब कभी कभी, कभी कभी क्या होता है, वाक्य में करण का चिन्ह जो है वो लुप्त भी रहता है, यानी करण कारक का जो चिन्ह है से के द्वारा वो नहीं होता है, लेकिन उस वाक्य में करण कारक तो होता है। अब उसका कैसे पता लगाए, तो इसका क्या तरीका है वो देखिए। जैसे हम एक वाक्य लेते हैं, आज भी संसार में करोड़ों लोग भूखों मर रहे हैं, ठीक है, अब मर रहे हैं करोड़ों लोग, करोड़ों लोग करता है, मर रहे क्रिया है। अब प्रश्न करते हैं किससे, वहां सीधे क्रिया के साधन खोजने चाहिए, उस जो मर रहे क्रिया हो रही है उसका साधन क्या है,
मैंने आपको बताया है कि करण कारक में करण यानी उपकरण यानी साधन, तो अब यहाँ पे जो क्रिया हो रही है उसका साधन क्या है, यानी मरने की क्रिया का साधन क्या है, कारण क्या है, वो किससे मर रहे हैं, किसके द्वारा मर रहे हैं, तो वो भूख से मर रहे, भूखों मर रहे हैं, तो ये करण कारक हो गया। अब सबसे विवादित चीज, विवादित वाक्य, विवादित प्रश्न कि नदी पहाड़ से निकलती है। अब कई पुस्तकों में इसको करण कारक बताया हुआ है और कई पुस्तकों में इसको अपादान कारक बताया हुआ है। तो दोस्तों नदी पहाड़ से निकलती है, अब मैंने आपको बताया है करण कारक यानी करण यानी उपकरण यानी उसका माध्यम, उसका साधन। अब मान देखिए आप, जैसे मान लो पहाड़ है, पहाड़ है, अब पहाड़ से नदी निकल रही है। संप्रदान में तो क्या होता है, अपादान में तो वो चीज उससे अलग हो जाती है। अपादान यानी पेड़ से पत्ता गिरा, पेड़ है उससे पत्ता गिरा तो पेड़ से अलग हो गया। लेकिन पहाड़ से नदी पहाड़ से निकलती है, अब ये नदी जो है वो पहाड़ से अलग नहीं हुई है, वो अनवरत इससे निकल रही है, इसका पानी अनवरत चल रहा है। यानी नदी जो है उसके निकलने का माध्यम, उपकरण, साधन जो है वो पहाड़ है। अगर वो इससे टूटकर अलग होती, अगर अलग होती तो उस दृष्टि में उसका जो है अपादान कारक होता, लेकिन ये अलग नहीं हो रही है, ये तो यहां से अनवरत निकल रही है और नदी के निकलने का उपकरण, माध्यम, साधन जो है वो पहाड़ है, तो इसलिए इसमें करण कारक होगा, क्योंकि वो यहां से अनवरत रूप से निकल रही है। तो ये बात दोस्तों, तो इस पे सबसे ज्यादा कमेंट आया कि सर ये ऐसे कैसे हुआ, और कमेंट करना भी वाजिब है क्योंकि कई पुस्तकों में भी इसको अलग अलग बताया गया है, लेकिन मेरे हिसाब से यह है आप इसको तर्क की कसौटी पर कसकर देखना, इसको आप देखना तो आप सही उत्तर जो है आसानी से समझ पाएंगे। अब एक प्रश्न, वह बल्ले से खेल रहा है, बल्ले से मैं कारक है, कौन सा कर्ता कारक, करण कारक, संबंध कारक, संप्रदान कारक, कौन सा कारक है बल्ले से, तब वह करता है, खेल रहा क्रिया है, खेलना क्रिया का साधन क्या है, बल्ला, तो खेलना क्रिया का साधन जो है वो बल्ला है, तो इसलिए वो इन खेलने का उपकरण है, तो इसमें करण कारक होगा। अगला कारक अपादान कारक, दोनों में से का प्रयोग होता है तो इन दोनों को साथ पढ़ा रहा हूं। अपादान कारक का जो से है वो पृथक होने, अलग होने अथवा तुलना करने के अर्थ में प्रयोग होता है। अपादान, इस अ से याद करना है, अलग होना, अपादान अलग होना, इस तरह से आपको इसको दिमाग में सेट करना है। ये मेमोरी की एक ट्रिक्स है कि हम किसी चीज को ऊटपटांग तरीके से अपने दिमाग में सेट करें, किसी वस्तु से जोड़ के याद करें, उसका हम एक विजुलाइजेशन, एक फिल्म की तरह एक दिमाग में एक चित्र जो है सेट करके उसको याद करें, तो इस तरीके से आपको इसको दिमाग में सेट करना है, अपादान यानी अलग होना। अब अपादान का अर्थ है पृथक होना या अलग होना, यानी वाक्य में जिस स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता, किसी एक स्थान या वस्तु से किसी व्यक्ति या वस्तु की पृथकता, पृथक होना अथवा तुलना का बोध होता है वहां अपादान कारक होता है। जैसे निम्नलिखित वाक्यों में कौन सा कारक है, पेड़ से पत्ता गिरा, विजय साला से घर आया, तो यानी पेड़ से पत्ता गिरा, यानी पत्ता जो है वो पेड़ से अलग हो गया, यानी ये यहां पर ये से कारक चिन्ह जो है वो अलग होने का बोध करा रहा है, तो इसमें अपादान कारक है।
अब अपादान कारक किसमें होगा? तो जो वस्तु स्थिर है, स्थिर वस्तु में अपादान कारक होगा। इसमें स्थिर क्या है? पेड़ स्थिर है, पत्ता तो अस्थिर है, गिर गया। स्थिर पेड़ है तो इसमें अपादान कारक होगा। इसी प्रकार विजय साला से घर आया, तो साला स्थिर है तो साला में अपादान कारक होगा। अगला अपादान कारक तुलना के रूप में, जैसे दो के बीच में तुलना, कविता सविता से अच्छा गाती है, तो इन दोनों में तुलना हो रही है, कविता और सविता में, तो इसमें भी अपादान कारक है, सविता से तुलना हो रही है। विमला सीता से लंबी है, सीता के साथ से कारक चिन्ह का प्रयोग हो रहा है, इसमें सीता में अपादान कारक है। इसी प्रकार दूरी के रूप में, पोस्ट ऑफिस स्कूल से दूर है, इसमें भी अपादान कारक है। इसी प्रकार प्रेम घृणा लज्जा ईर्ष्या भय आदि भावों की अभिव्यक्ति के लिए अपादान कारक का ही प्रयोग किया जाता है। दोस्तों, अब इन सब पे अगर मैं चर्चा करूंगा तो वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। आप कोई अच्छी सी पुस्तक, विशेष तौर पे लुसेंट वाली जो पुस्तक है उसको देखें, उसमें बहुत अच्छे तरीके से दिखाया गया है। अब करण कारक और अपादान कारक में तुलना देखिए, इसमें तो साधन के रूप में प्रयुक्त होता है, जैसे वह कलम से लिखता है, तो वह कर्ता जो है उसके लिखने की जो क्रिया है उसका साधन है कलम। और इसमें देखिए, उसके हाथ से कलम गिर गई, तो यहां पर कलम जो है वो हाथ से अलग हो गई, अलग होना है, इसलिए इसमें अपादान कारक है। अगला है संप्रदान कारक। संप्रदान कारक के कारक चिन्ह है के लिए, को, के वास्ते, के हेतु। अब संप्रदान, दान यानी दान देना, ठीक है। तब देखिए, संप्रदान शब्द का अर्थ है देना, संप्रदान यानी देना, दान देना, इसको आप ऐसे याद करना है आपको, संप्रदान दान यानी देना, यानी जहां देने के अर्थ में होता है वहां संप्रदान कारक होता है। वाक्य में कर्ता जिसे कुछ देता है अथवा जिसके लिए क्रिया करता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जो करता है वो जिसके लिए क्रिया कर रहा है या जिसे दे रहा है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। जैसे उदाहरण देखते हैं, सैनिकों ने देश की रक्षा के लिए बलिदान दिया, देश की रक्षा के लिए, तो देश जो है वो संप्रदान कारक है। लोगों ने बाढ़ पीड़ितों के लिए दान दिया, तो के लिए कारक चिन्ह आ गया। अब किसके लिए दिया? बाढ़ पीड़ितों के लिए संप्रदान कारक, इन जिसके लिए क्रिया करता है या जिसे कुछ देता है उसे संप्रदान कारक कहते हैं। अब एक और चीज, जब क्रिया द्विकर्मी हो, जब क्रिया के अंदर दो कर्म हो तथा देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, वहां जो है वो को विभक्ति का प्रयोग होता है। ऊपर तो के लिए विभक्ति का प्रयोग हुआ, लेकिन जहां दो कर्म हो और देने के अर्थ में प्रयुक्त हो, ऊपर भी देने के अर्थ में प्रयुक्त हो रहा है, इसमें भी देने के अर्थ में प्रयुक्त हो वहां को विभक्ति प्रयुक्त होती है। जैसे अब उसमें एक और महत्वपूर्ण चीज, जब कोई वस्तु किसी को हमेशा हमेशा के लिए, यानी दान आदि के अर्थ में हमेशा हमेशा के लिए दी जाती है, तो वहां को का प्रयोग होता है। जब कोई वस्तु किसी को दान आदि के अर्थ में हमेशा के लिए दी जाती है तो वहां को का प्रयोग होता है। जैसे उदाहरण देखिए, राजा ने गरीबों को कंबल दिए, तो कंबल दिए यानी गरीबों के लिए कंबल दिए, के लिए भी हो सकता है, दो कर्म होने की वजह से बीच में को आ गया, यानी कंबल तो गरीबों के लिए ही दिए लेकिन दो कर्म आने की वजह से
को आ गया। पुलिस ने चोर को दंड दिया, यानी चोर के लिए दंड दिया। मीनाक्षी ने कविता को पुस्तक दी, कविता और पुस्तक दो कर्म है, मीनाक्षी करता है, देना क्रिया है, तो इसमें को कारक चिन्ह आ गया। कविता को दिए तो कविता जो है वो संप्रदान कारक है, यानी कविता के लिए पुस्तक दी है। अब यहां दो कारक है इसलिए के लिए के स्थान पर को जो है कारक चिन्ह का प्रयोग हुआ। तो इस प्रकार दोस्तों आप इनको थोड़ा ध्यान से देखें और अच्छी सी पुस्तक देखें। विशेष तौर पे जिस प्रश्न पर सबसे अधिक कमेंट आए थे उसको मैंने क्लियर करने का प्रयास किया। ये नदी पहाड़ से निकलती है क्योंकि वो पहाड़ से अलग नहीं हो रही है, वो वहां से अनवरत रूप से निकल रही है, यानी नदी के निकलने का साधन जो है वो पहाड़ है, इसलिए इसमें करण कारक है। प्लीज दोस्तों वीडियो पसंद आए लाइक जरूर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और प्लीज घंटी के निशान को जरूर दबाएं ताकि नया वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। और आपका कोई उपयोगी सुझाव हो तो कमेंट में जरूर दें। धन्यवाद।